नमस्कार प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन। 5 साल गांव का हाल आइए देखते हैं प्राइम न्यूज 24 के साथ। मामला गोंडा जनपद के तरबगंज तहसील नवाबगंज ब्लॉक के सूरजपुर पांडेपुरवा का मामला है, जहां पर विद्युत विभाग की घोर लापरवाही देखने को मिल रही है। 3 साल पूर्व विद्युत के पोल तो लगा दिए गए, लेकिन आज तक अभी उस पर तार नहीं खींचा गया। विद्युत की लापरवाही से ग्रामीणों में बिजली मात्र सपना बनकर रह गई है। वहीं ग्रामीण नरेन्द्र कुमार पांडे, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य हरिराम केशवराम, ओम प्रकाश समेत सैकड़ों ग्रामीणों का आरोप है कि हमारे गांव में 3 साल पूर्व विद्युत पोल लगा दिए गए, लेकिन अभी तक तार नहीं खींचा गया है, तथा ग्राम सभा में सरकारी जमीन होने के बाद भी गौशाला का निर्माण नहीं किया गया है, जिससे छुट्टा पशु फसलों को नष्ट कर देते हैं। लॉकडाउन की वजह से किसानों की आर्थिक स्थिति वैसे भी खस्ता हाल हो चुकी है, एवं छुट्टा मवेशियों के फसल खा जाने से हालत और दयनीय होते जा रही है। प्रशासनिक अधिकारियों को कई बार समस्या से अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। आइए देखते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं अमरेश। अभी हम मौजूद हैं गोंडा जनपद के पांडेपुरवा ग्राम सभा में। यहां पर जब हमारे पीछे देख सकते हैं विद्युत का पोल लगा हुआ है, और लगभग 3 साल हो गए हैं, जहां तक ग्रामीणों का कहना है कि 3 साल हो गए हमारे गांव में विद्युत का पोल लगाए हुए, अभी तक इस पे तार नहीं खींचा गया है। एक तरफ जहां सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि हम हर गाँव में देश के आखिरी छोर में बसा हुआ जो घर है वहां पर मैंने विद्युत पहुंचा दिया है। आइए हम गांव की हकीकत को आपको दिखाते हैं कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के वादों में कितनी सच्चाई है। यहां पर हमारे साथ कुछ ग्रामीण एकत्रित हुए हैं, जिनमें काफी रोष है और इनके अंदर काफी गुस्सा भरा हुआ है। जो माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जिस तरह से अपने संबोधन में बार बार यही कहते हैं कि मैं देश के हर छोर में लाइट पहुंचा चुका हूं, हर घर में विद्युत को पहुंचा चुका हूं। आइए हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, उनसे बात करते हैं क्या उनकी समस्याएं हैं, आइए सुनते हैं। क्या दिक्कत है आपकी? हमारे गाँव बत्ती नहीं है, 3 साल हो गया। खम्भा कब लगा है? 3 साल हो गया। शिकायत आपकी इसकी की आपने? हम लोग शिकायत किया, आज तक लगभग नहीं दिया। विधायक जी के पास गए, विधायक यहाँ से कहो? विधायक जी यहाँ के शास्त्री है, वहाँ नवाबगंज के ब्लॉक के बगल में है। आज तक अयबे नहीं की। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम नरेंद्र कुमार पांडे है, मैं पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ, मैं इसी ग्राम का सभा का मैं निवासी हूँ। मेरा ब्लॉक नवाबगंज है, तहसील तरबगंज है, जनपद गोंडा से मैं बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ योगी सरकार ने तो बहुत कुछ किया, वो तो सराहनीय है, लेकिन इस ग्राम सभा के अंदर या इस जंगल बेल्ट के अंदर हम लोग इतना परेशान है, हर चीज से, जानवर से, बंदर से, हर चीज से परेशान है। ना तो यहाँ कोई समस्या आंगनवाड़ी है, ना ही कोई पंचायत भवन है, ना ही कोई अस्पताल यहाँ पर बना हुआ है। और रोज पेपर में आता है कि ना जी इतना धन दे रहे हैं, इतनी समस्या बता रहे हैं, लेकिन हमारे इस जंगल के अंदर कोई भी कोई सुनवाई नहीं है, और ना ही यहाँ विधायक आए हैं आज तक जब से वोट लेकर गए हैं, और ना ही कोई आते हैं। तो पहली चीज, दूसरी चीज, यह खंभा लगा हुआ है आप देख रहे हैं, आज हमको मजबूरन बुलवाना पड़ा कि यह खंभा जो लगा हुआ है इतने दिन हो गया, आज तक कोई तार नहीं खींचा गया इस पर, इस पोल का कोई तार नहीं खींचा गया। हम लोग बहुत परेशान है लाइट से, लाइट से भी परेशान है, दूसरी चीज बंदर से भी परेशान है, तीसरी चीज गाय से परेशान है। जंगल में चारों तरफ हमारे यहाँ का बता रहे थे कि तार लग जाएगा, ये लग जाएगा, वो लग जाएगा, ना तो आज तक तार लगा, ना तो सुरक्षा कायम हुई यहाँ पर इस ग्राम सभा में, ना तो पंचायत भवन है, ना आंगनबाड़ी केंद्र है, ना ही कोई CSC है, ना पशु चिकित्सालय है, कोई भी सुविधा यहाँ पर नहीं है। यहाँ एक रोड बन गया था सम्यक थान के पास में, वहाँ आए दिन पानी भर जाता है, उसमें जो है रास्ता जाम हो जाता है। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर मनकापुर है, अगर कोई बीमार हो जाता है तो हम लोगों के लिए रास्ता नहीं है कि हम लोग अस्पताल पहुँच जाए। हमारा जबकि ब्लॉक नवाबगंज है, CSC नवाबगंज है, और यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है यहाँ पर मनकापुर, लेकिन हम लोग अस्पताल नहीं जा सकते जंगल की वजह से, बरसात भर जाने के कारण। इसकी शिकायत आप लोगों ने की कभी? अरे इसकी शिकायत हम जिला अधिकारी को नहीं दिया, लेकिन प्रशासन को दिया, ब्लॉक पर दिया, प्रधान जी को दिया, सेक्रेटरी साहब को बताए। वो जब पुल बन रहा था पंचायत, जो वहाँ पानी भर जाता है, रास्ता बंद हो जाता है, कई बार ठेकेदार लोगों को जो सूचना दिया गया, लेकिन कोई निस्तारण नहीं है। हम लोग एकदम बने हुए हैं, हम लोगों के बीच कोई फायदा नहीं आ रहा है, किसान बहुत परेशान है। हाँ, यहाँ पंचायत भवन भी नहीं है, न तो आंगनबाड़ी केंद्र है, यहाँ जमीन छूटी हुई है, 1 एकड़ जमीन छूटी हुई है। गौशाला का निर्माण नहीं किया गया? गौशाला का निर्माण तो हम लोग पेपर में देखते हैं कि योगी सरकार बहुत गौशाला, लेकिन यहाँ तक आज तक कोई भी ना तो गौशाला बना है, ना कोई